हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। सैमसंग हमारा बहुत ही तेजी से लगा हुआ है, अपने काफी सारे नए नए डिवाइसेस को वो लेकर आ रहा है। अभी थोड़ी टाइम पहले ही इसके दो डिवाइसेस आए थे, सैमसंग का M10 और M20, और अब M30 भी आने वाला है। साथ ही जो S10 है उसके भी तीन डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं, और अब 2019 की जो A सीरीज है उसमें पांच डिवाइसेस आने वाले हैं। पांच में से आज मैं आपको इस वीडियो में तीन डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता चल चुका है, पूरे स्पेक्स उनके लीक हो चुके हैं। बाकी के दो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज जिन डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे वो है सैमसंग के A10, A30 और A50। आएगा और इसका प्राइस लगभग 7 से 8 हजार के आसपास होना चाहिए। इस डिवाइस के अंदर आपको मिलेगी इंफिनिटी वी नॉच, जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन होता है। अभी तक हमारा सबसे सस्ता डिवाइस पे सैमसंग की तरफ से M10 ही था, अब हमारा A10 हो सकता है। अब साथ ही हम इसके स्पेक्स पे नजर डालें तो आपको मिलेगा 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में मिलेगा। साथ में सैमसंग एक्सिनोस 7880 का प्रोसेसर, उसके साथ 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी और ट्रिपल स्लॉट भी आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने दो सिम कार्ड डाल सकते हैं, दो जियो सिम यूज कर सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और उसके साथ आपको इसके अंदर बड़ी बैटरी मिलेगी 4000 mAh की। तो ये जो हमारा डिवाइस है ये आपको बजट सेगमेंट में मिलेगा। अब अगला जो हमारा डिवाइस आता है वो है सैमसंग का A30, जो कि हमारा 15-17 हजार रुपए की रेंज में रखा जाएगा। इसके अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है जो हमारा M20 में था, सैमसंग एक्सिनोस 7904 का, लेकिन इसके अंदर कैमरास को थोड़ा सा अपग्रेड करा गया है। 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको बैक में मिलेगा, 16 वाला मेन, 5 वाला हमारा अल्ट्रा वाइड, और उसके साथ फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। साथ में सेम आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और इसके साथ फास्ट चार्जर मिलेगा 15 वाट का। अब इसमें जो एक और अपग्रेड किया गया है M20 के अलावा वो है इसके डिस्प्ले के अंदर। आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, और साथ में वही हमारा वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन इंफिनिटी यू नॉच। दो तीन चीजों में देखा जाए तो ये हमारा M20 से अपग्रेडेड है, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 15-16-17 हजार रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा। अब जो तीसरा डिवाइस हमारा आने वाला है सैमसंग की तरफ से वो है A50, जिसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा बैक साइड में, और देखा जाए तो ये डिवाइस अपने स्पेक्स के हिसाब से काफी बढ़िया साउंड कर रहा है। सबसे पहले बैक कैमरा की ही बात कर लेते हैं। आपको मिलते हैं तीन कैमरा, जिसमें से पहला है हमारा 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है, और उसके साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, और वही हमारा इन्फिनिटी वी नॉच मिलेगी आपको, सॉरी यू नॉच मिलेगी, वी नहीं, वी हमारी सिर्फ A10 में है, बाकी इन दोनों में यू नॉच है। उसके साथ सैमसंग एक्सिनोस 9610 का प्रोसेसर मिलेगा, साथ में 4GB 6GB के दो वेरिएंट आएंगे इस डिवाइस में, और ट्रिपल स्लॉट भी मिलेगा आपको, तो दो जियो सिम भी चल जाएंगी, एक मेमोरी का डाल सकते हैं 512GB तक का, और साथ में 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी 15 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। अब इसका जो प्राइस है आप स्पेक्स देख सकते हैं, काफी बढ़िया हमारे साउंड कर रहे हैं, तो इसका जो प्राइस होगा वो हमारे लगभग 20 हजार के आसपास रखा जाएगा। तो ये हमारे जो सैमसंग के तीनों डिवाइसेस हैं ये आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं, लेकिन इनमें एक गड़बड़ है कि आपको इनमें मिलेगी प्लास्टिक बॉडी। अब ये ठीक है आप बजट सेगमेंट वाले में दे रहे थे उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन 15 हजार से ऊपर अगर आप किसी भी डिवाइस में प्लास्टिक देंगे तो वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से प्लास्टिक की जगह थोड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और कुछ देना चाहिए डिवाइस के अंदर। लॉन्च जब होंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि और हमें क्या क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस क्या है, और आपको इस चैनल पे इनकी अनबॉक्सिंग जरूर देखने को मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब एक जरूरी बात, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, हमारे जो अटैक हुआ था अभी टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। सब लोग ये वाला वीडियो देखने तो आ जाते हैं कि सैमसंग ने क्या लॉन्च किया और क्या हो रहा है, क्या नया फोन आ रहा है, लेकिन जो ऐसे वीडियोस होते हैं
जो सपोर्ट के लिए इंडियन आर्मी के लिए मैंने बनाया उसको देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं गए। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस भी देखने चाहिए, देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, हमें उसको भी पूरा निभाना चाहिए। सो अगर आपका मन हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें।